रुख करते हैं उस्ता मोहम्मद का। हमारे ब्यूरो चीफ कुरबान अली के मुताबिक माशूक अली द्रक के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ उनके भाई आशिक अली द्रक की जानिब से मछली पुल से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जना रोड घंटा घर चौक से होती हुई सिटी थाने के सामने रोड ब्लॉक करके धरना दिया। इस मौके पर आशिक अली द्रक शाहिद अली द्रक ने खिताब करते हुए कहा कि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद माशूक अली द्रक के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। कातिल को अभी तक गिरफ्तार ना करना समझ से बालातर है। उन्होंने कहा माशूक अली घर का वाहिद कफील था और एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। पुलिस की जानिब से 11 रोज गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा माशूक अली को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल किया गया और पुलिस 2 हफ्तों से टाल मटोल से काम ले रही है। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वरसा ने IG बलोचिस्तान, चीफ सिक्योरिटी बलोचिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान, DIG नसीराबाद से मुतालबा किया है कि माशूक अली द्रक के कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए।